मेरी वीडियो देख रहे हैं और यहाँ आने की सोच रहे हैं तो बेशक आ जाइएगा, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है। तो ये बैग है भाई बंटी और ये पूरे मसाले एकदम रेडी करके रखा है। एंड इधर कैप्टन भैया है, देख सकते हो। ये है भाई नाइट कैंपिंग इन जटा शंकर का कहानी, तो अभी बने रहो वीडियो। अंशु द्वारा फूंका जा रहा है एकदम खतरनाक तरीके से। एंड गाइस पूरा रात को हम लोग जब पहुंचे थे ना तो 8 बज गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। पूरा पानी गिर रहा था, टेंट वेंट बनाने में बहुत ज्यादा समस्या हो गया और ये गरीबी वाली टेंट है भाई। सो गाइस तो यहाँ पे यार छोटू और रमजीत पूरा पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इतना सब कुछ सामान हम लोग लेके जाने वाले हैं और कुछ सामान इधर निकल गया है और बाहर देख सकते हो। तो पूरा नाइट कैंपिंग का सेटअप होने वाला है, पूरे व्यवस्था के साथ जा रहे हैं यार, निकलने वाले हैं, मिलते हैं पेट्रोल पंप। अभी अपन लोग जा रहे हैं जटा शंकर के लिए, निकल गए, बाकी बंदे निकल गए, रास्ते में मिलेंगे तो भी भाई पेट्रोल डल जाए एंड अपन लोग भी निकलेंगे। तो गाइस तो मिलते हैं रास्ते में बाबा, निकल चुके हैं, देखते हैं वो लोग कहाँ पे मिलते हैं अपन लोग को और देखते हैं कई किलोमीटर बाद मिलते हैं। तो फिलहाल निकले 2 किलोमीटर हो गया एंड कॉल तो कर रहे हैं बार बार, देखते हैं कहाँ तक पहुँच गए हैं बंदे अपने। तो अपन लोग अभी 3 ही है यार, अभी हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे छोटू है, ये तो मेरे साथ है, एंड लालू सिब्बू दादा इधर और उधर बाकी के भाई लोग हैं, भाई पूरा खड़े हैं। एंड गाइस अभी सब लोग मिल चुके हैं, अब थोड़ी सी प्लानिंग वलानिंग अच्छे से तगड़ी वाली कर लेते हैं एंड निकलते हैं। तो वीडियो में मिलते हैं भाई सीधे निकलते टाइम एंड रास्ते में, अभी के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहना भाई। तो यार आज की राइडिंग के लिए ये मेरी बसंती खड़ी है एंड यहाँ पे खन्नू की गाड़ी खड़ी है भाई विद पूरा सेटअप, एंड ये लालू का पूरा गाड़ी है, पूरा बन के एकदम तैयार है। एंड यहाँ पे हमारा पूरा सामान है, ये लगा है, ये गोप्रो लगाया है एंड ये पूरा सामान, और पीछे से मेरी गाड़ी देखो बेहतरीन है, इसमें फोटो खींच लेता हूँ, एकदम फुल ब्लॉगिंग वाला सीन लग रहा है, इसमें फुल ब्लॉगर लग रहा हूँ मैं। बहुत मजा आने वाला है, फुल नाइट कैंप करेंगे, टंगिया उंगिया रख लिए हैं भाई अपन लोग, जिससे कि भाई पूरा नाइट कैंप के लिए पेड़ वेड़ काटेंगे, सॉरी मजाक नहीं रियल था भाई, करेंगे वैसा। एंड लोग यहाँ पे निकल चुके हैं एंड ये भाई लोग इधर हैं और लालू अभी पीछे से आ रहा है भाई, एंड अभी अपन सब लोग निकल चुके हैं। तो छोटू भाई अब कैमरा पकड़ लो यार, लो यार यहाँ पे लालू एकदम आगे आगे खतरनाक निकला है, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया, कहाँ हो गया इसको यार, कैसे लगाया था कैमरा तोड़ दिया। रुक रुक रुक, क्या हो गया, थका दे रहा है, उसको अच्छे से टाइट किया होता दोस्त, एकदम टाइट है ये फेंका रहा, ये नहीं लगता है इसमें, इसको रुक इधर गाड़ी साइड में लगा, साइड में ऐसे में तोड़ डालेगा तू, ऐसे नहीं लगता है दोस्त, ये रुक रुक, अच्छा ये इसमें फंसा हुआ है मेरा, अरे तभी तो नहीं मिल रहा था यार, अरे ये नहीं दे, दिखा कुछ, अबे चीजें कहाँ किया। तो अभी निकलते हैं यार, उठाओ यहाँ से, फिलहाल अभी अपन लोग उन लोग पीछे पीछे आएंगे, बिकॉज लालू कैमरा ही सेट नहीं किया था अच्छे से, उल्टा पलटा लगाया रहा तो गिरेगा ही भाई, वैसे नहीं लगाया जा रहा। एंड यहाँ पे बारिश हल्का हल्का स्टार्ट हो गया, मतलब बरसात की जो थिकनेस होती है ना तो पता नहीं चलती, मिलती नहीं मगर मिलती है वाली बात, वही वाली बरसात स्टार्ट हो गई है यार, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। हम लोग 3 लोग हैं, हम लोग 3 लोग हैं भाई, मतलब सब लोग अलग अलग बात है, मतलब कहाँ कहाँ वैसा है, देख रहे हो लालू को मजे लेने के लिए ना हम लोग को हाल बजा बजा रुकवा लिया और बढ़ गया आगे, बहुत साइलेंट है। अरे ये लोग पीछे रह गए थे, कहाँ रुके थे यार आप लोग, ये लोग आगे आगे न था हम लोग से, अरे हम लोग भी तो रुके रहे, वहाँ कैमरा गिरा रहा था, नारियल ले लेते हैं चलो, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। एंड अब मैं भी इधर रेनकोट रखा हूँ, उधर खन्नू पहन लिया है, मैं भी रेनकोट पहन लेता हूँ, तो ये मैं ही हूँ, पूरा सेटअप के साथ रेडी हूँ नाइट राइड के लिए, हेलमेट लालू के पास है एंड सब लोग
पूरा फिट एंड फाइन है, तो मिलते हैं अब रास्ते में भाई। ओके वाला सीन है, सीधा करो सीधा। हाँ सो गाइस चलो लेट्स गो। मैं भी पूरा मुंह बंधाया है मेरा, तो अच्छे से साउंड नहीं आती होगी। तो गाइस तो चलते हैं, अभी मिलते हैं फिर रास्ते में, क्या कहानी होता है। ये है भाई जैसा सुनता ना, तो यहाँ सबसे बताना, मेरे गाड़ी का लाइट तिरछा जा रहा है बिकॉज एक्सीडेंट में वो होया है, तो उसको मैं बनवा रहा था लेकिन बन नहीं पाया वो। बाकी की टीम हमारी आई नहीं है या तो चली गई है, अपने को कोई बताता नहीं है भाई। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, वेट 10 रिजल्ट। पता नहीं गाड़ी का पावर आज कम ज़्यादा हो रहा था उसके चलते। तो भाई तो हम लोग कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, देखते हैं कितने देर बाद लोग आते हैं, बाहर चले गए हैं, फिर इसके बाद कहानी में देखते क्या होता है। तो सब लोग यहाँ स्पॉट पहुँच गया है, थोड़ा सा खा रहे हैं भाई, लगा हुआ है। सब लोग आ चुके हैं भाई, गाड़ी उड़ी पूरा लग गया है इधर। एंड गाइस सामान वामान खोल के सीधे नीचे जाने का प्लान है। लालू गाड़ी और ही ज्यादा इनसे टूटत नहीं भाई है, वो गिरन पास टकराने से। तो लालू गाड़ी फुल एकदम ब्लॉगर वाली लग रही है, मेरी भी गाड़ी वैसी ही है। लालू तो आज गोप्रो भी लगाता है, देख सकते हो एकदम खतरनाक। यहाँ पे हम लोग को खन्नू सलोनी खिलाने से डांट रहा है, नहीं खिलाऊंगा बोलता है। ये कहा है तेरे को, क्या चाहिए दोस्त? पैसा कटवा रहा हूँ। पैसा कटवा रहा है ठीक है दोस्त, सलोनी चाहिए, सलोनी चाहिए। तू सबको सबको कुछ ना कुछ चाहिए भाई। ये लालू ब्लॉगर है, सलोनी खाएंगे बहुत टेस्टी, गरम गरम निकला जस्ट अभी। भंडारा ले लो। सो गाइस तो एकदम मस्त, ये गरम गरम है यार, एकदम तगड़ा वाला। और आपका भी आओगे ऐसे फर्स्ट दिन शाम को, तो आपको मिलेगा भाई तगड़ा वाला ये सलोनी। मस्त लगेगा बिकॉज खा के देखते हैं। टेस्टी है गाइस, मजा भी आ रहा है। हम लोग टूट पड़े हैं गाइस, तो बाकी लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, लेकिन छोटू लोग अभी यहीं पे हैं, तो भाई अपन इनके साथ जाएंगे। बांधा नहीं है छोटू कब आएगा, अभी बन जाए। एंड वो लोग नीचे उतर रहे हैं यार, वहां से उतर। तो ये है छोटू का जुगाड़, एंड ये भाई ऐसे कुछ रखे सामान। और अब हम लोग भी जाएंगे यार नीचे। छोटू तो कोई मिल गया, पिक्चर में भी रहता सीन वैसा ही लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी पहुंच मार्ग, सीढ़ी संख्या 730। एंड 730 ऐसे ऐसे सीढ़ी उतर के हमको जाने पड़ेंगे बाबा। तो अब सफर शुरू हो रहा है यहाँ से, एंड वहाँ जाके पूरा कैंप लगाना है यार, बिकॉज पूरा सेटअप के साथ आए हैं। अरे मारते वैसे मारता, दूर मारेगा इधर तुम्हारा, इससे थोड़ा जगह देगा तब तो टंगिया से मारेगा तू भी। तो यार एक साइड का लालू काट लिया है, एक साइड का और काट रहा है, कट जाएगा। खतरनाक जंगल में हम लोग अभी आ चुके हैं, और अपने को वो बहुत ज्यादा नीचे जाना है भाई अभी। तो यहाँ से लकड़ी लेके जाएंगे, बिकॉज 700 में अभी 100 सीढ़ी नीचे आए होंगे हम लोग। बस कट गया यहाँ पे, उनको बुला, इसको रस्सी में बांधो और जिस टाइप से उसमें ध्यान मत लगा लालू, इन लोग को काट, इन लोग को, इन लोग को सही दिशा दे। अब लकड़ी को बिकॉज मैं कंधे में लेके जा रहा हूँ, वीडियो नहीं बन पा रही है क्योंकि कौन बनाए, सबके सब रखे हैं भाई है। पानी गिर रहा है यार, अब हम लोग टेंट बना नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसे हम लोग छिपे हुए हैं। आधे लोग गए हैं टेंट बनाने की सुविधा लेने भाई। सो यार तो आज अपना ये टेंट सही काम आया है बाबा, जो भी जैसा हो भी हो सब कुछ बचाया है। हमारा कैंप एकदम रेडी है, एकदम देख सकते हो इधर सामान वामान हम लोग पूरा रखे हुए हैं ऐसा एकदम बेहतरीन तरीके से। एंड ये पानी वानी है,
इधर चूल्हे जल रहे हैं भाई, और ये हमारा पहला खाना बनने वाला है। ये देख सकते हो क्या है, मैगी है भाई, मैगी है। इधर लालू टमाटर काट रहे हैं, जितने मसाले पूरा तैयार करके रखा है भाई मैगी के लिए। एंड राहुल भाई अभी मसाले तैयार कर रहे हैं, बाकी सबकी सब कहानी कुछ नहीं है। एंड छोटू कड़ी मेहनत कर रहा है यार बहुत ज्यादा, चाय के लिए दे, चाय के लिए आ गया भाई पानी। एंड इसमें रहेगा कहानी, पानी उतना कौन पीला है, अरे हो गया ना, नहीं लगेगा कुछ भाई। एंड खन्नू भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आग जला रहे हैं। तो देखते हैं यार अब मैगी बनते टाइम मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ पे देख सकते हो यार राहुल एकदम तबला चढ़ा के और मैगी बना रहा है इसमें। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड कैसा भी आप सभी। एंड अभी मेरे साथ पीछे का नजारा आप देख सकते हो यार, पूरा भरा है एकदम। एंड अभी अपनी पब्लिक यहाँ पे सोई हुई है, और मैं उठ के नहा धो के एकदम फिट एंड फाइन हूँ। रात में पूरा वीडियो नहीं बना पाए थे यार, क्योंकि हम लोग का चार्ज कम था। एंड अभी नहा धो के मैं रेडी हूँ, पूरा चलते हैं पूरा ब्लॉक। ओहो पूरा लाइन लग गया है पूरा। एंड खन्नू रमजीत पहले चल दिया है भाई। सो गाइस तो गेट देख सकते हो। तो भाई अभी सुबह के 5:30 हुए, मतलब 5:35 हो गए हैं, जल लेके एंड तैयार है पूरा लाइन में। एंड खन्नू कितना टाइम लगेगा बताओ, आधे से घंटा लगेगा अभी दोपहर तक पहुँच। तो भाई खन्नू के बताए हिसाब से 1 घंटा लगने वाला है, एंड देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है। 5:30 तो हो गए हैं, 5:35 लाइन लगाए थे, 5:40 हो गए हैं। तो ऐसे मिलते हैं, तो बने रहो बजने वाला। तो भाई यार यहाँ पे भीड़ पूरा लगा हुआ था, एंड खन्नू तो आ गया था, मैं भी सोचा आ ही जाता हूँ। भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोग जगह मांगा मैं, लेकिन बिकॉज रमजीत पीछे ही खड़ा है। हम लोग ऐसे ही आ गए हैं लाइन बिना दखल अंदाजी करके, कहीं आगे आगे जल वल चढ़ा के आएंगे। एंड ब्लॉग शूट होएगा गाइस अंदर, तो बने रहना वीडियो में यार। एंड गाइस इधर बाहर कहानी ऐसा कुछ सीन है, आप देख सकते हो पूरा एकदम खतरनाक है, मन्नत की एकदम पूरा वो बांधा जाता है भाई। तो भाई लोग तो अभी खन्नू आगे जाएगा भाई, इन लोगों का पूरा ग्रुप हो चुका है। एंड हम लोग यहाँ पे रुकने वाले 5-5 से ग्रुप में जाते हैं भाई। तो अभी अपन लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं, देख सकते हो ऐसे पैदल जाना पड़ता है यार अंदर तक। एंड ऐसे ही हम लोग को भी जाना है बाबा। तो अभी इन लोग जब तक बाहर जाएंगे तब तक हम लोग को यहीं पे रुकना है। तो ऐसा कुछ सीन है यार अंदर, और जब अंदर जाएंगे तभी दिखाएंगे भाई। हम लोग धक्का मुक्की करके जबरदस्ती यहाँ पे आज खड़े हो गए लाइन को एकदम तोड़ के। तो यहीं पे इन लोग, समय लगने वाला है भाई थोड़ा ज्यादा सा, इन लोग ऐसे आना पड़ता है भाई। एंड वो खन्नू देख सकते हो उधर आगे निकल गया है, छोटा सा गुफा है, इसी से जाना पड़ता है। अपन भी जब जाएंगे तो दिखाएंगे भाई, तो वीडियो में लगे रहे, जब मैं जाऊंगा तो दिखाऊंगा, बिकॉज हम लोग व्यवहार बना के यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो भाई लोग यार अभी हम लोग की बारी आई है भाई, अब हम लोग भी जा रहे हैं, बिकॉज खन्नू बोला था दो लोग निकलेंगे तो चले आना। एंड चले आइए, खन्नू बैठा है भाई यहाँ पे। एंड ये भाई लोग भी इधर से आ रहे हैं, भाई लोग अभी इंटर तो हम लोग कर चुके हैं अंदर, बिकॉज हम लोग वहाँ पीछे सबसे पीछे खड़े थे, जैसा कि आप लोग देखे मैं और खन्नू यार। लेकिन ये भाई लोग से हम लोग व्यवहार बना के इन लोगों के आगे खड़े हो गए, और घुसने को मिल गया, नहीं तो 8 बज जाते भाई हम लोग के यहाँ पहुँचते। एंड फाइनली अभी हम लोग 6 बजे के आस पास पहुँच चुके हैं। तो भाई अंदर एकदम जोर से, एंड इसकी हाइट आप देख सकते, ज्यादा हाइट नहीं है गुफा की, बहुत ज्यादा छोटी हाइट है, और इसमें सारा कुछ हो जा रहा है। तो अभी इतना ही यार, बिकॉज चार्ज कम है अपने फोन में, और पूरा ब्लॉग और बनाना है, तो मिलते रहेंगे सीधे अब जाने टाइम भाई। तो अभी रुकते हैं यहाँ पे है ना। एंड साथ में भाई देख सकते हो ऐसा ऐसे गुफा के अंदर, और छोटे छोटे होल टाइप से गुफा है भाई इधर। एंड गाइस आप आओगे तो डर वर तो लगेगा, फर्स्ट टाइम आओगे तो, मेरा तो थर्ड टाइम है भाई। देख सकते हो ऐसे बैक साइड से उल्टा आना पड़ता है, सीधा मुड़ के आ भी नहीं सकता आदमी, उल्टा आने का ही कहानी है। सब लोग नहीं चलते हैं यार, कुछ लोग ना भैया। उधर कितने लोग हैं? 2 लोग जाते हैं, वो 2 लोग हो जाके आ जाएंगे तब हम लोग चलेंगे। 2 आदमी भी आएंगे है ना फिर यहाँ से। सो तो यार ये भाई लोग अभी रिटर्न हो चुके हैं,
बोल बम 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 बोल बम। तो यार अभी हम लोग बोल बम के नारे के साथ मैं और खन्नू आ रहे हैं भाई, एंड बाकी के दो तीन बंदे पीछे हैं। बोल बम 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 बोल बम। सो इधर देख सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे गुफाएं हैं। ओह बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुफा है भाई लोग। उधर ही रुक जाना दोस्त। सो तो यहाँ पे बैठे हैं शंकर जी, यहाँ पे बोले जय हो भोलेनाथ, जय हो। एंड मेरी बारी है हो भोलेनाथ। दोबारा हम मन्नतें पूरी करेंगे आप हमारी। जय भोलेनाथ। जल्दी से क्राइटेरिया पूरा करवा दो भोलेनाथ। बस इतने की विनती, अब आपसे कुछ भी नहीं है, विनती है भोलेनाथ। तो हम लोग चलते हैं भोलेनाथ। तो यार ऐसे ही रिटर्न होना पड़ता है भाई, देख सकते हो पूरा एकदम बैक बैक होते हुए ही पूरा एकदम बैक बैक सीन से। ओह भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आने की सोच रहे हैं तो बेशक आ जाइएगा, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट है। तो घुसने का है ना भाई, घुसने और निकलने का सबसे ज्यादा यही जगह इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जटा शंकर की एक खास बात यही है, भीड़ में तो हवा नहीं मिलेगा। यही है भाई खास बात कि अंदर जाना पड़ता है, वो भी पैदल ऐसे लगाते हैं। बोल वहाँ परिचय तो भाई पसंद है। फाइनली हम लोग जल चला गए, और इतनी ज्यादा परेशानी हुई तो हम लोग ना व्यवहार बना के मैं खन्नू घुस गए, वीआईपी लाइन में घुस गए थे भाई लोग। हाँ और नहीं तो यार हम लोग को 8:30 तो यहीं बच जाते भाई लाइन में ही। एंड हम लोग व्यवहार बनाए, व्यवहार बनाने का बहुत ज्यादा फायदा मिला हम लोग को, आगे जगह मिल गया और हम लोग फाइनली जल चढ़ा के आ गए। सो गाइस तो अब मैं आपको मिलाता हूँ अपने कैंप से, लोगों से एंड कैंप से। तो भाई यार ये हमारा नाइट कैंप था, यहाँ पे पूरा देख सकते हो ऐसे कुछ चारों साइड से रखे थे। एंड यहाँ पे खन्नू है, तो भाई कुछ व्यवस्था कर रहा है, और इधर ये लोग कुछ हैं। एंड गाइस पूरा रात को हम लोग जब पहुँचे थे ना तो 8 बज गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। पूरा पानी गिर रहा था, टेंट वेंट बनाने में बहुत ज्यादा समस्या हो गया, और ये गरीबी वाली टेंट है भाई। एंड जटा शंकर के सामने की बात करें भाई लोग तो कुछ इस टाइप से दिखता है यार, बिकॉज पूरा ऐसे इधर नहाने धोने का पूरा व्यवस्था है पानी का। एंड और भी कैंप्स इधर लगाए हुए हैं भाई वगैरह वगैरह। एंड सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पे था भाई, जो कि क्लियर हो गया हम लोग का कहानी है गाइस। तो यहाँ से कुछ लोग देख के हंस रहे हैं, हाय हाय हाय। लोग भोलेनाथ के लिए मैं ये वाला नारियल लेके आया था, तो यहाँ पे खन्नू तोड़ने में लगा हुआ है, हम भी तोड़ेंगे भाई। सो यार तो इतना प्यारा सा मेरा नारियल निकला है, मतलब ना एक भी डैमेज नहीं हुआ। भोलेनाथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो मैं इसको क्या करूँ, ऐसे चढ़ा दूँ कि तोड़ के चढ़ा दूँ। तो मैं सोचता हूँ इसको तोड़ के चढ़ा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खन्नू का तो कच्चा था इसलिए दूसरे टाइप से निकला है, मेरा ओरिजिनल एकदम निकला है भाई। ये अंकल चंदन लगा रहे हैं यहाँ पे, खन्नू सबसे पहले लगवा रहे हैं, मैं भी लगवा ही लेता हूँ भाई फाइनली। तो गाइस तो बहुत दिन बाद ये अंजलि मिली है जटा शंकर में, कहाँ खो गई थी तो साथ ले। अब तो इधर बाहर से सामने का नजारा कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, एंड बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड इसकी कहानी ऊपर इधर देख सकते हो, छोटू लोग यहाँ चाय है, छोटू ये कढ़ाई हम चाय चढ़ाया गया है यार अभी सुबह सुबह, और यहाँ अंशु द्वारा फूंका जा रहा है एकदम खतरनाक तरीके से, और छोटू बैठा हुआ इधर देख रहा माहौल। एंड बाकी के सारे सारे कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं, कुछ लोग शायद उधर नहा रहे हैं, और कन्नू तो वहाँ चला गया दादा के पास। ओ भाई कोई अलग से टीका चंदन लगा दिया वो बाबा,
सफेद वाला आई डोंट नो किधर कैसे होने का। गाइस हम लोग के फोन में ज्यादा चार्ज नहीं था, रात को मैं रास्ते की भी कहानी नहीं दिखा पाया, उसमें कहानी हो गया था ये कि यार भाई हाँ बनाने वाले भेजो यार, दिमाग लगाए कुछ बताए तो बनाए सब। रास्ते में यार ज्यादा नहीं दिखा पाए थे क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं था, और अभी भी ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा भाई, बहुत ही ज्यादा कम चार्ज है। एंड देखते हैं कहीं सेटिंग चार्ज होने का, एंड चार्ज अगर हो जाता है तो वीडियो पूरा बनेगा, क्यों छोटू सही बात है ना। तो यार पूरा रास्ता हम लोग अंधेरे में आए, पूरा कीचड़ वीचड़ था, तो वीडियो नहीं बनाए, सब कुछ नहीं करे। आए रात को यहाँ बनाए खाए, मैगी खाए थे भाई, वो उधर पड़ा है देख सकते हो, मैगी बना के खाए थे एंड चाय पिए थे रात को, इससे ज्यादा कुछ नहीं किए थे। एंड हमारा सेटअप ऐसा कुछ है, पूरा गरीबों वाला ऐसे पूरा पड़ा हुआ है सब कुछ, देखो ये है भाई नाइट कैंपिंग इन जटाशंकर का कहानी। तो अभी बने रहो वीडियो में, 20% चार्ज है, जितना वीडियो बनेगा बनाएंगे, क्वालिटी भले अच्छा ना मिले लेकिन चीज सही मिलेगा। तो भाई अभी सुबह के एकदम फिक्स 7 बजे हैं एंड चाय हमारी रेडी है, एंड उधर छोटू बना रहा था पूरा चाय, टूल हमें गिरा दिया, सब लोग के लिए बचा भी नहीं। एंड कुछ अपना चाय नहीं लिए भाई, एंड भाई कहानी खन्नू फोटो खींचने के लिए तैयार, एकदम महाकाल वाला ड्रेस लगा के देख सकते हो। हाँ बस चाय पी के निकलने के देरी है। तो भाई तो शाम सुबह 7 बजे खत्म हो गया, पूरा खत्म यार, हम लोग 5-10-12 लोग अरे गिर गया यार, अब चाय गिर गया, देखो कब तो देते। तो भाई भाई लोग को चाय चाहिए, छोटू को रिक्वेस्ट कर रहे हैं चाय के लिए, देखो देता है कि नहीं छोटू, छोटू ही बाली के बिकॉज आज कल रात को सोए नहीं, आंखें पूरे एकदम नशीली लग रही। तो भाई लोग अभी छोटू के साथ चाय है, सबके सब चले गए हैं, अभी खन्नू घर गया भाई, जूम आउट में दिखा होगा वहाँ है। तो ऊपर वाले कैंप में अज्जू दादा लोग बैठे हैं, माहौल तो भाई ये रहा हमारा कैंप, एंड इसके पीछे का नजारा ऐसा है भाई, देखो पूरा इधर इतना ज्यादा खाई है, एंड इधर पहले दीवार खड़ा करने की कोशिश करा जा रहा था, और इधर पूरा ऐसा कहानी है, ऐसा वादियाँ ऊपर की भाई, एंड यहाँ से 360 व्यू अगर बात करें कि ये, एंड इधर अपना कैंप ये भाई जोसेस जैसा भी है, ठीक ठाक है, पूरे इधर लगे हुए हैं भाई। सो गाइस तो यहाँ पे कढ़ाइया चढ़ चुका है, एंड मैं इसको फ्राई करके सबको नाश्ते में खिलाने वाला हूँ, काबुली चना। सो गाइस तो अभी मैं बनाता हूँ कुकिंग, यहाँ पे अंशु बर्तन धो रहा है, एंड फिर अपन लोग सटासट इसको बनाते हैं, सबके आने तक इसको रेडी करके रखते हैं और सबको खिलाते हैं। यहाँ पे अभी तैयार है मसाले, और ये इसको हम लोग डाल दिए हैं भाई, अब देखते हैं कितने टाइम में पकता है, बिकॉज आग थोड़ा सा भी ठीक ठाक जल रहा है, तो कहानी में देखते हैं क्या होता है। प्यार लालू यहाँ देख सकते हो आप, पनीर काट लिया है, एंड फिट एंड फाइन इधर शिवम चाय पी रहा है, एंड अभी 12 बज रहा है, और आज का हमारा मिस्त्री इधर हाई कर दिया थोड़ा सा। तो ये बैक है भाई बंटी, और ये पूरे मसाले एकदम रेडी करके रखा है, एंड इधर कैप्टन भैया है देख सकते हो बैठे हुए हैं, एंड मेरे फोन में 10% चार्ज है। तो अभी पनीर का स्वाद लेंगे, फिर पूरी बनाएंगे, उधर देख सकते हो आटे भी उधर साइड में रखे हुए हैं, एंड इसको कहानी में बना के फिर खत्म करना है और खा पी के जाना है। मैं सोच रहा हूँ एग्जाम है आज मेरा, तो एग्जाम दे के रिटर्न फिर आएंगे, एक दिन का कैंपिंग और लगाएंगे। तो भाई वीडियो में बने रहना लास्ट तक, फोन भी चार्ज करके मैं आऊंगा। तो भाई लोग तो अभी वीडियो में बने रहोगे। तो भाई अब इसमें यार मटर डाले जा रहे हैं देख सकते हो शिवम भाई के साथ, एंड यहाँ पे पानी डाल के कर रहा है क्योंकि इसमें केमिकल रहता है भाई, तो धुल जाएगा, एंड सेफ्टी के साथ खाएंगे। हाँ तो इसमें पहले, इसके बाद उधर पनीर है उसको डालना है इसमें, अब इसमें पनीर मिलाना बाकी है भाई। चला। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो बंटी सनक भी रहा है इसको बना के, कहानी में भी मटर पनीर दोनों मिल चुका है भाई, अब इसको बनने का इंतजार करना। अरे तू टेंशन मत ले बाबा, एक्चुअली टच में बाई बाई। यहाँ पे यार हम लोग आटे गुथ रहे हैं लोई इसका, और यहाँ पे शिवम बेल रहा है, एंड यहाँ पे कान्हा बेल रहा है, भाई लोग सब लोई बना रहे हैं, और उधर बंटी और छोटू और कैप्टन भैया तो अंशु सब लोग उधर सेक रहे हैं। एंड गाइस 3% अब मोबाइल चार्ज बचा है, तो देखते हैं वीडियो कहाँ तक बनता है, फिर किसी और के फोन से बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, पहले रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे यार हमारा रोटी सब्जी और सलाद तैयार है देख सकते हो, एंड सब लोग भाई लोग अभी यहाँ पे खा रहा है, एंड आना है यहाँ पे हमारा सब्जी है भाई, ये हमारा चूल्हा है, कढ़ाइया ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ यहाँ पे, एंड अभी खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, 1-2% चार्ज बचे हैं। तो यार यहाँ पे पूरा माहौल है, बंदे लोग पता नहीं कहाँ के हैं, आए हैं अभी, एंड पूरा माहौल बन गया है। चलो मैं आपको पास से दिखाता हूँ गाइस, एंड इधर का पूरा सीन देख सकते हो यार, पूरा कहानी में कायम है एकदम। तारा
देखो ये लो पिसा के देखो, ये देखो ये देखो ये हमारे सुनी है। बढ़िया जो की